साथियों नमस्कार। आज जूम मीटिंग के माध्यम से हो रहे आज वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। अपने इंट्रोडक्शन के साथ में, नाम भीकम सिंसा हूँ, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, पारागांव कला से। और इस अल्टोस जैसे खूबसूरत मिशन को मैं भी 2 साल से सीख रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ और सीखते सीखते एक डायमंड जैसे लेवल पे हूँ। और इस लेवल पे मेरा गुरुजनों का सपोर्ट रहा, उनके माध्यम से मैं इस लेवल पे पहुंच पाया हूँ। और मेरे जितने भी ग्रो लाइन है, जितने भी डाउन लाइन है, उन सभी का मेरा सपोर्ट रहा, इन सभी का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। और आज के इस वेबिनार में जितने लोग आज पार्टिसिपेंट हुए हैं, जितने लोग भी ज्वाइन हुए हैं, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, एमपी से, अलग अलग स्टेट से, यूपी बिहार से, तो सभी का मैं वेलकम करना चाहूंगा इस वेबिनार के माध्यम से। होम मीटिंग एक ऐसा टॉपिक जो बिजनेस के को ग्रोथ करने के लिए बहुत ही बड़ा मतलब अहम भूमिका रखता है कि मतलब होम मीटिंग के माध्यम से हम अपने बिजनेस को कैसा डेवलप करें। जितना इम्पोर्टेंट हमको प्रोडक्ट परचेस करना इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा भी हमारा इम्पोर्टेंट है होम मीटिंग रखना। तो इस होम मीटिंग को हम करके कैसे कैसे हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, और हमारे अल्टोज जैसे बिजनेस में या यूं कहे कोई भी बिजनेस के लिए होम मीटिंग कितना इम्पोर्टेंट है, और उस होम मीटिंग को हम कैसे कंडक्ट करें, यानी कैसे हम रखें, और उसको कैसे कैसे हम आगे उनको संचालित करें, इसके बारे में पूरे हम टॉपिक में चर्चा करेंगे। होम मीटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है करके, तो सफल होने के लिए हमको होम मीटिंग कितना इम्पोर्टेंट है, इन टॉपिक में चर्चा करना चाहूंगा। कि सफल हर आदमी होना चाहता है, पर सफलता के लिए क्या क्या करना चाहिए उनको बारे में सोचता नहीं है, है ना। तो सफल होने के लिए सबसे पहली चीज है वो है होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना। तो होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको होम मीटिंग के पहले क्या क्या करना चाहिए, इनके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। कि आपको होम मीटिंग करनी है तो होम मीटिंग होने के पहले आपको क्या क्या करना जरूरी है। तो होम मीटिंग होने के पहले सबसे पहले है लोगों को आमंत्रण, इनवाइट करना कि आप अगर जिस तारीख को होम मीटिंग रखने वाले हैं या जिस समय में होम मीटिंग रखने वाले हैं, उससे आप एक दिन पहले लोगों को इनवाइट करें या उसी दिन लोगों को इनवाइट करें। जैसे सपोज आज 21 यानी 21 तारीख है, और सपोज आप 22 तारीख को होम मीटिंग रखने वाले हैं, तो सबसे पहले एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना है कि मेरे घर में कल जो है 22 तारीख को मैं एक होम मीटिंग को, आप होम मीटिंग बोल सकते हो, दूसरा चीज आप बोल सकते हो कि आयुर्वेद का एक सत्संग बोल सकते हो, कोई भी आप अपने भाषा में जो उनको सरल लगे, है ना। क्या कि देखो डायरेक्ट कई आप जो क्या मीटिंग शब्द सुनकर नहीं आ पाते, तो उनको अपने भाषा में सिंपल से सिंपल सरल तरीके में आप उनको इनवाइट कर सकते हो। इनवाइट करने के बहुत सारे तरीके हैं, सर मेरे यहाँ पे मतलब चाय पानी की व्यवस्था रखा हूँ, एक छोटी सी मतलब पार्टी रखा हूँ, या बोल सकते हैं आप मैं एक आयुर्वेद का शुरुआत किया हूँ, उसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे घर पे आए, ऐसे करके लोगों को इन्वाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके बाद में आपके बैठक व्यवस्था, मतलब यह है कि आप जैसे होम मीटिंग जहां पे रख रहे हैं वहां पे लोग जब आएंगे उनकी सीटिंग अरेंजमेंट आप कैसे किए हैं। जरूरी नहीं है कि एक टेबल कुर्सी ही हो, आपके घर पे जैसी व्यवस्था हो, सबसे पहले जो आप बैठक व्यवस्था कर रहे हैं वहां पे लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, है ना। तो लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, रोशनी आना चाहिए और हवा आना चाहिए, यह सारा चीज आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान इसके बाद में है स्थान का चयन कि कौन से स्थान पे आप ले रहे हैं, अपने घर पे ले रहे हैं या भवन में ले रहे हैं, ये कोई भी समय छोटा आंगनबाड़ी हो जरूरी, मतलब कोशिश हमको ये करना चाहिए कि जहाँ पे पब्लिक प्लेस ना हो, ज्यादा आना जाने की व्यवस्था मतलब वो ना हो, उस जगह पे हम होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करें। इसके बाद आता है टूल्स का उपयोग कि हम होम मीटिंग में क्या क्या टूल्स का उपयोग करें। सपोज जैसे कि आपके पास व्हाइट बोर्ड हो, मार्कर हो, है ना। साथ में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को हमको वहां पे डिस्प्ले करते बन जाए, तो हमारे पास सभी प्रकार के प्रोडक्ट होना चाहिए। दो प्रकार के प्रोडक्ट खासकर होना जरूरी है, एक है पैक प्रोडक्ट यानी सील बंद वाला प्रोडक्ट, और दूसरा ओपन प्रोडक्ट, ताकि किसी प्रोडक्ट को हमको अगर तुरंत कोई मंग लिया, दिखाओ कैसा लगता है, तो डेमो दिखाते हमको बन जाना चाहिए। तो और साथ में व्हाइट बोर्ड, मार्कर वगैरह की व्यवस्था वहां पे होना चाहिए। दूसरी चीज हम देखते हैं आयोजक। आयोजक मतलब होता है स्पॉन्सर, कहने का मतलब जिसके घर में हम होम मीटिंग रख रहे हैं वो आयोजक कैसे हो, है। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे वो आयोजक कैसे हो। वो आयोजक हम कोशिश से करना चाहिए कि वो पहले से ज्वाइन हो, कहने का मतलब अल्टोज जैसे मिशन पे पहले से उनका आईडी लगा हो,
या उनका वो उनका डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे हमारे पहले से हो, ये हमको पहले ध्यान में रखना जरूरी है। आयोजक, दूसरा चीज है कि और जो आयोजक है वो प्रोडक्ट का उपयोग किया हुआ, ध्यान में रखें कि अगर वो कोई ना कोई प्रोडक्ट, जैसे हमारा कोई हिल सिरप प्रोडक्ट हो या तो हमारा कप लीवर सिरप, कोई भी चीज हो यानी जीवन शक्ति हो, कोई भी प्रॉब्लम बेस में या नॉर्मल बेस में या इम्यूनिटी सिस्टम का कोई भी प्रोडक्ट उपयोग किया हो, ताकि अगर वो उपयोग किया है तो हम अगर किसी को हम वहाँ बता रहे हैं तो अपने बात को वहाँ पे शेयर कर सकते हैं और हम उनको एक एग्जाम्पल के रूप में पेश कर सकते हैं। देखो ये हमारे अमुक साथी हैं भाई है जिन्होंने हमारे कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है। दूसरा चीज देखना है हमको, ध्यान में रखना है कि अच्छा हो कि वो पहले मीटिंग गया हो। कहने का मतलब ये है कि अगर वो आदमी कि पहले से अगर मीटिंग गया हो तो अच्छी बात है, ये बड़ी मीटिंग गया हो तो बहुत अच्छी बात है कि वो हम जब किसी बात को रखें तो अगर वो प्रूफ करना हो तो वो उस चीज को कर सकते हैं। ऊपर बैठ जा, ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर आवाज एक डबल, हाँ ठीक, हाँ हाँ बस। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे आयोजक कैसे हो, आयोजक सबसे पहले हो, पहले से ज्वाइन हुआ हो अल्टोस में, दूसरा वो प्रोडक्ट का अगर उपयोग किया हो तो बहुत बेहतर चीज है। दूसरा ये तीसरा चीज ध्यान रखना है कि वो पहले से अल्टोस का कोई मतलब सेमिनार वगैरह है, जैसे कि अपना एकेडमी का मीटिंग होता है या कहीं पे हमारा राहुल कला की मीटिंग हो, वहां के गया हो। दूसरा चीज ये देखना है कि वो ड्रेस में बैठा हो, जैसे अल्टोस का ड्रेस क्या है, व्हाइट कलर का जो शर्ट है, ब्लैक का अपना जो है पैंट और टाई, अगर ये ऐसा वेल ड्रेसअप में बैठा हो, क्योंकि आपका जो आयोजक के साथ साथ में जो हमारे मीटिंग को लेने वाले जो सीनियर आएंगे, अपलाइन आएंगे, वो भी उसी ड्रेस में आएंगे, तो क्या है कि एक यूनिटी बनता है कि इनके सर भी उसी ड्रेस में, ये भी उसी ड्रेस में, मतलब ये प्रोफेशनली है। ऐसा करके हमको एक मतलब वहां पे वो होता है। आगे चल के हम बात करते हैं कि प्रेजेंटर कैसा हो, प्रेजेंटर के लिए क्या क्या मतलब खासियत होना चाहिए, उस जो मतलब मीटिंग को लेने आ रहे हैं आपके अपलाइन। प्रेजेंटर मतलब होता है कि वहां पे होम मीटिंग को लेने वाले आ रहे हैं सीनियर या अपलाइन, वो कैसे हो। सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्रेजेंटर के लिए कि वो वेल ड्रेसअप में हो। ड्रेसअप मतलब जैसे कि ब्लैक कलर का पैंट होना चाहिए, व्हाइट शर्ट होना चाहिए, टाई होना चाहिए, हो सकता है टाई टाई के साथ साथ में उसमें टाई पिन लगा हो, ऐसा बेज हो, और इनके अलावा ब्लेजर पहने हो, काला कलर के जो कोट होते हैं वो। तो प्रेजेंटर यानी आपके जो मीटिंग लेने आ रहे हैं वो। आगे हम बात करते हैं कि जो है वह जो है आपका अपलाइन हो सकता है मीटिंग लेने के लिए कोई भी आ सकता हो। अल्टोस के मिशन में मतलब बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो क्रॉस लाइन भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, पर प्रभाव उतना नहीं पड़ता। प्रभाव कब पड़ता है, जब जिस सिस्टम में आप ज्वाइन किए हो और वो आपके अपलाइन हो, वो स्पॉन्सर आपका रेफरल या स्पॉन्सर होना जरूरी है, आपके अपलाइन हो, उसी लाइन के आदमी हो, तो ये बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जितना ज्यादा अपलाइन अपने डाउनलाइन के बारे में जानता है, जितना उनकी तरक्की के बारे में बात करे, वो क्रॉस लाइन उतना नहीं जानता। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा 99% कोशिश होना चाहिए कि होम मीटिंग हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हमारा ही अपलाइन आके ले, हमारा सीनियर आके ले, ये ध्यान में रखना चाहिए प्रेजेंटर के लिए, है ना। तीसरा चीज टॉपिक में बात करना चाहूंगा कि वो प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी हो। अगर वो अपलाइन होम मीटिंग लेने आ रहे हैं तो उनको दो चीज की खास जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले जानकारी होना चाहिए प्लान के बारे में, अल्टोस के प्लान को कोई भी आदमी अगर मुंह जवानी पूछे या फिर उनको डिस्प्ले करना हो व्हाइट बोर्ड या किसी में, तो उनको आना चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए, कम से कम हमारे रजिस्टर बोलते हैं 10 प्रोडक्ट का नॉलेज, पर होम मीटिंग में अगर जा रहे हैं तो मैं तो बोलता हूँ 10 क्या, हमारे कंपनी के मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है कम से कम 100-150 प्रोडक्ट है, तो कम से कम हर प्रोडक्ट की उनके नॉलेज में हो। पहला नॉलेज के हिसाब से बात करें तो उनका कॉन्टेंट्स पहला चीज, कंटेंट्स के अलावा उनका जो बेनिफिट्स क्या है और उनको लेने के तरीका, ये तीन चीज टॉपिक पे चर्चा होनी चाहिए उनको। कि जैसे हम उदाहरण के लिए हम हिल सिरप की बात करें तो उसमें क्या मिला है, वसा कब मिला है, पिपली मिला है, मुलेठी मिला है, इस बारे में चर्चा करें। साथ में उसमें तुलसी सहायक कमीशन है इस प्रकार से, और क्या काम में आते हैं और लेने के तरीके, ये तीन टॉपिक पे उनका मतलब गहरा पकड़ होना चाहिए मजबूती से। भाषा उनके अलावा बोलना चाहिए, भाषा का चयन, भाषा अच्छा हो। हम कभी कभी क्या होता है कि एकदम से रूरल इलाके में चले जाते हैं तो भी कभी कभी हम हिंदी में बात करते हैं, पर कुछ लोग वहाँ पे समझ नहीं पाते, तो हमारा भाषा का चयन है वो क्लिष्ट नहीं होना चाहिए, एकदम हाई फाई प्रोफाइल वाला नहीं होना चाहिए। जैसा लोग बैठे हैं उस हिसाब से हमारा भाषा हो, सिंपलिसिटी होना चाहिए,
ताकि वहां के जो बैठे हैं वो आसानी से उस भाषा को समझ सके। ये चीज को ध्यान में रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम बात करते हैं कि होम मीटिंग जो है में क्या क्या होना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए, है ना। जैसे जैसे वहां पे लोग बैठे हैं ना, उस परिस्थिति के अनुसार वहां पे होना चाहिए। कि अगर वहां पे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन लोग बैठे हैं तो होम मीटिंग में हमको एजुकेटेड पर्सन के हिसाब से बात करना है। अगर वहां पे किसान वर्ग के लोग बैठे हैं तो हमको किसान वर्ग के लोग के हिसाब से बात करती है। अगर वहां पे हाउसवाइफ लोग बैठे हैं तो हमके हाउसवाइफ के लिए मतलब जो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं और साथ में मतलब होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं उनको मतलब प्रभावित करते हुए, उनको ज्यादा फोकस करते हुए हमको